Hello, my dear friends and student. In this video, I am going to discuss about the list functions. In the previous video, we have covered some functions like we have covered append function, extend functions, insert, pop, remove, and clear. Because basically these functions are required in adding and removing some elements in the list. Okay. अब बाकी जो functions बच गए हैं हमारे लिस्ट के अंदर, अब हम उन फंक्शंस की बात करते हैं. सबसे पहले जो फंक्शन आता है वो हमारा लेन फंक्शन. लेन फंक्शन हमने स्ट्रिंग के अंदर भी देखा था. इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट देन वी यूज लेन फंक्शन, राइट. सो ये तो आपने स्ट्रिंग के साथ भी यूज में लिया हुआ है, बट एक बार के लिए यदि हम प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करना चाहें तो किस तरह से इसको यूज में लेंगे. हमने एक लिस्ट ऑब्जेक्ट लिया जिसके अंदर आपने एलिमेंट्स की वैल्यू स्पेसिफाई करवाई, देन मिक्स डेटा ले रहा हूँ मैं. लिस्ट आप सभी को पता है कि लिस्ट के अंदर डिफरेंट टाइप के डेटा आ सकते हैं आपके पास में. ओके, सो नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग देन व्हाट वी हैव टू राइट, सिंपली आई वांट टू प्रिंट द लेंथ ऑफ दिस लेन ऑफ एल, राइट. सो प्रिंटेड इट विल डिस्प्ले लेंथ ऑफ द लिस्ट. इसके अंदर देखिए यहाँ पर ए बी सी क्या है, एक स्ट्रिंग डेटा है, तो अपने आप पास में एक इंडिविजुअल इंडेक्स रखेगा. देन लिस्ट के अंदर एकोड लिस्ट है जिसको हम नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं. तो 12,30 जो है वो क्या हो गया, एक लिस्ट एलिमेंट है. सो ये भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट है जो आपको 0, 1, 2, 3, 4 एंड फिफ्थ इंडेक्स वैल्यू, फोर्थ इंडेक्स वैल्यू के ऊपर मिलेगा ये, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 5 है. तो इसकी जो इंडेक्सिंग होगी वो क्या होगी, 0 से लेके 4 तक होगी. सो 12,30 ये जो लिस्ट है ये कौन सी इंडेक्स वैल्यू के ऊपर रहेगी, इसके फोर्थ इंडेक्स वैल्यू के ऊपर रहेगी. सो सबसे पहला जो इस पीपीटी के अंदर यदि हम देखें, इस वीडियो में हमने सबसे पहला जो कवर किया है वो है लेन फंक्शन. अपेंड हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. यदि हम देखें अपेंड की वर्किंग, अपेंड इज यूज टू एड एन एलिमेंट एट द लास्ट पोजिशन इन द लिस्ट. एक्सटेंड, एक्सटेंड इज यूज टू, एस नहीं आएगा, ओनली एक्सटेंड है. एक्सटेंड इज यूज टू एड एलिमेंट एट द लास्ट पोजिशन इन द लिस्ट. दोनों की वर्किंग सेम है, बट दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है ये, इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ से इसको कवर कर सकते हो. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड, राइट. नाउ इंसर्ट, अपेंड एंड एक्सटेंड की एक लिमिट है. यू कैन विद द हेल्प ऑफ दीज टू फंक्शंस यू कैन एड एलिमेंट ओनली एट द लास्ट पोजिशन. बट इंसर्ट आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप पर्टिकुलर पोजिशन के ऊपर यदि एलिमेंट को ऐड करना चाह रहे हो देन यू कैन यूज इंसर्ट फंक्शन. देन पॉप, टू रिमूव एन पर्टिकुलर एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट वी यूज पॉप फंक्शन और रिमूव फंक्शन. द पॉप विल रिक्वायर इंडेक्स वैल्यू एंड रिमूव फंक्शन विल रिक्वायर एलिमेंट वैल्यू एज आर्ग्यूमेंट. देन इफ यू वॉन्ट टू रिमूव ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट देन वी यूज क्लियर. वी हैव कवर्ड ऑल दीज फंक्शन इन द प्रीवियस वीडियो. सो द वीडियो जो हमने वीडियो बनाया था उसका टॉपिक था हाउ टू एड एंड रिमूव सम एलिमेंट इन द लिस्ट. ओके, नाउ अब हम बात करते हैं इंडेक्स की. इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, देखिए ये आपको पता है कि हमारे पास में जो भी लिस्ट होती है उसके अंदर यदि आपको पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम यूज में लेते हैं उसकी इंडेक्सिंग. जैसे मैंने L इक्वल टू एक लिस्ट ले रखी है 1, 2, 3, 4, 5, देन इसमें एक डेटा होता है ABC, देन सपोज 5 वापस से आ गया. देन सपोज दैट यू वांट टू फाइंड आउट इंडेक्स वैल्यू ऑफ 5, तो आप क्या करोगे, L डॉट इंडेक्स आपने स्पेसिफाई किया, L डॉट इंडेक्स 5 आपने स्पेसिफाई कर दिया. तो अब ये 5 यहाँ पर 2 टाइम्स आ रहा है, बट सबसे पहले बार वो कहाँ पर अकर हुआ है, ये उसकी इंडेक्स वैल्यू को रिटर्न करेगा. तो 5 की इंडेक्स वैल्यू क्या है, 4 है, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, 4 को रिटर्न कर देगा. बट यदि आपने इंडेक्स के साथ कोई एक ऐसा एलिमेंट स्पेसिफाई कर दिया जो इस लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, उस केस में क्या क्या होगा, ये जो एक एक्सेप्शन जनरेट होगी यहाँ पर और मैसेज डिस्प्ले कर देगा कि आप जो एलिमेंट सर्च करना चाह रहे हो वो आपकी लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. देखिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं. जैसे इस लिस्ट के अंदर हमें सर्च करना है, सपोज दैट
मैंने सिंपली प्रिंट ही करवा दिया, मेरे को प्रिंट कराना है एल डॉट इंडेक्स, इंडेक्स वैल्यू ऑफ थ्री, थ्री की इंडेक्स वैल्यू क्या है वो मेरे को प्रिंट करवाना है, राइट। सो ये क्या डिस्प्ले करेगा, ये टू को डिस्प्ले कर देगा। बट सपोज आपने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया 23 स्पेसिफाई कर दिया और ये इस लिस्ट के अंदर है नहीं, तो ये क्या करेगा, एक्सेप्शन जनरेट कर देगा और यहाँ पर देखिए 23 इज़ नॉट इन द लिस्ट, लिस्ट के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो ये एक एक्सेप्शन, एक एरर रिटर्न कर देगा, राइट। दिस इज द यूज ऑफ इंडेक्स। अब देखिए मैंने कोमा में 3 दो बार लिया हुआ है, अब इस लिस्ट के अंदर 3 दो बार है, लेकिन ये क्या करेगा, सबसे पहली बार आपका 3 कहाँ पर अगर हुआ है, ये उसकी इंडेक्स वैल्यू को जनरेट करेगा, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, एंड द नेक्स्ट फंक्शन इज काउंट। काउंट फंक्शन क्या करेगा, आपकी लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से पर्टिकुलर किसी एलिमेंट को आप काउंट करना है कि एक जैसे एक लिस्ट आपने ले ली जिसके अंदर वैल्यूज़ हैं आपकी 1 से लेके 10 तक, अब आपको ये देखना है कि 5 इसमें कितनी बार आ रहे हैं, उसके लिए हम यूज़ में लेते हैं काउंट, काउंटिंग करने के लिए हम यूज़ में लेते हैं। तो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं हम, जैसे इसमें आपको सपोज दैट 3 को ये काउंट करना है कि कितनी बार आ रहा है ये 3, तो आप क्या करेंगे, काउंट 3 कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा, 2। अब सपोज दैट आपने और स्पेसिफाई कर दिए यहाँ पर वैल्यूज, 3 और डाल दिए यहाँ पर, ओके। सो अब ये काउंटिंग करके बता देगा आपको कि कितनी बार इसमें ये 3 आ रहे हैं। अब सपोज दैट आपने स्पेसिफाई कर दिया यहाँ पर 37 इसमें है नहीं, तो उस केस में क्या करेगा, ये 0 रिटर्न कर देगा, 0 रिटर्न कर देगा, क्योंकि इसमें इसकी अक्रेंस है ही नहीं है, राइट। सो दिस इज द काउंट फंक्शन, इट ऑलवेज रिक्वायर वन एलिमेंट एज इनपुट, एज आर्ग्यूमेंट, ओके। नाउ अब हम बात करते हैं रिवर्स एंड शॉर्ट, दो फंक्शन और बचते हैं हमारे पास में लिस्ट के अंदर। रिवर्स, एक लिस्ट एलिमेंट है आपके पास में और आप इसको रिवर्स करना चाह रहे हो, तो आपके पास में क्या है, रिवर्स नेम से फंक्शन है, आपने किया एल डॉट रिवर्स जैसे हमने करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3, 2, 1 आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये फंक्शन कभी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। यदि आपने यहाँ पर कर दिया L1 इक्वल टू L डॉट रिवर्स, तो L1 के पास में कुछ भी नहीं रहेगा। इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं किस तरह से होगा। देखिए हमने एक लिस्ट ऑब्जेक्ट लिया 12, 34, 45, ABC, ये एक लिस्ट ऑब्जेक्ट हमने लिया, राइट। अब इसको हम रिवर्स करते हैं, तो मैंने क्या किया, L डॉट रिवर्स स्पेसिफाई किया, नाउ प्रिंट एल, प्रिंट करवा दिया। क्या करेगा, ये रिवर्स ऑर्डर के अंदर डिस्प्ले कर देगा, यानी कि सबसे लास्ट वाला एलिमेंट सबसे पहले आ जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करने वाली है, देखिए यदि आपने इसको किसी दूसरे वेरिएबल को असाइन करवाया, जैसे मैंने किया L1 इक्वल टू L डॉट रिवर्स, अब यदि आप L1 को प्रिंट कराना चाहोगे तो ये जो फंक्शन है वो कभी कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। तो L1 क्या है, एक अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल है, उसके पास में कभी कोई वैल्यू असाइन ही नहीं हुई है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, नन प्रिंट करेगा, क्योंकि प्रिंट के इनपुट में क्या गया, कुछ भी नहीं, एंड कुछ भी नहीं को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नन यूज में लेते हैं। सो रिवर्स फंक्शन क्या करेगा, आपकी जो लिस्ट है उसी के अंदर, इन प्लेस वर्ड हम यूज़ में लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये एलिमेंट को रिप्लेस, आपका जो 0 इंडेक्स वैल्यू वाला एलिमेंट है वो सबसे लास्ट में चला जाएगा और लास्ट वाला सबसे पहले आ जाएगा, ओके। कभी कोई नई लिस्ट को जनरेट नहीं करेगा, राइट। अब एक फंक्शन और बचता है हमारे पास में इसके अंदर, वो है आपका शॉर्ट। शॉर्ट आपको आइडिया है कि हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर यूज़ में लेते हैं डेटा को अरेंज करने के लिए, वैसे ही यदि आपको लिस्ट के अंदर सॉर्टिंग करनी है तब हम यूज़ में लेते हैं शॉर्ट फंक्शन को। एंड बाय आप लिस्ट के अंदर शॉर्ट फंक्शन के साथ में असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों तरीके से डेटा को अरेंज करवा सकते हो लिस्ट में, और ये भी कभी कोई फंक्शन, ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। लेकिन यदि आपका डेटा, देखिए इसी प्रोग्राम के अंदर, इसी के अंदर मैं इसी कोड में थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ, मैंने किया एक बार के लिए, मैंने ABC को हटा दिया, अभी लेंगे ABC पे वापस। देन मैंने किया L डॉट शॉर्ट,
देन आफ्टर दैट प्रिंट इट. क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट ये लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करेगा. तो ये तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, तो मैं इसको थोड़ा सा डेटा ऐड कर देता हूँ, 6,90. ओके, देन रन इट. देखिए आपका जो डेटा है वो ऑटोमेटिक इसमें आ गया, असेंडिंग ऑर्डर में आया है, राइट. अब यदि आपको सपोज दैट ये डेटा चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए आपको शॉर्ट फंक्शन के अंदर एक कीवर्ड यूज में लेना है, रिवर्स इक्वल टू ट्रू. ट्रू में टी कैपिटल रहेगा, आप सभी को पता है बूलियन डेटा टाइप है, ट्रू एक कीवर्ड है. सो रिवर्स इक्वल टू ट्रू करने का मीनिंग क्या हो गया, अब आपकी जो शॉर्टिंग होगी वो किस में होगी, असेंडिंग टू डिसेंडिंग होगी. देखिए सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी, असेंडिंग इन प्लेस ऑफ असेंडिंग ऑर्डर. ओके सो सी 90, 45, 34. सो इसने क्या किया, रिवर्स ऑर्डर के अंदर आपके आउटपुट को प्रोवाइड किया. अब यहां पर देखिए मैंने क्या कर दिया, आपकी लिस्ट के अंदर डिफरेंट टाइप के डेटा को यूज में ले लिया, राइट. एक्स वाई जेड सी, इसने एरर क्यों रिटर्न किया, क्योंकि आपके पास में मल्टीपल टाइप के ऑब्जेक्ट हो गए. अब यहां पर क्या होगा, देखिए साफ साफ लिखा है स्ट्रिंग और इंटीजर के बीच में लेस देन ग्रेटर देन साइन कभी भी हम यूज़ में नहीं ले सकते हैं. ये जब मैं स्ट्रिंग कंपैरिजन के ऊपर बात कर रहा था उस टाइम भी मैंने आपको बता दिया था, वी कैन यूज इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, बट ग्रेटर देन लेस देन साइन आप यूज़ में नहीं ले सकते हो. इसीलिए जब भी आपके पास में कोई लिस्ट है जिसमें आपके पास में इंटीजर डेटा है, फ्लोटिंग डेटा है और स्ट्रिंग डेटा है लिस्ट के अंदर, तो उस केस में आपका शॉर्ट टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा. आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉम्पेटेबल डेटा है शॉर्ट के अंदर, तभी वो डेटा को अरेंज करेगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, अदरवाइज वो टास्क परफॉर्म नहीं करेगा, राइट. आपके सिलेबस की यदि हम बात करें तो लिस्ट फंक्शंस आपके इतने ही हैं. अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा, इस वीडियो के लिए बस इतना ही. अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा उसके अंदर हम बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स बनते हैं लिस्ट के ऊपर. वैसे तो लिस्ट के ऊपर इतने सारे प्रोग्राम्स बनेंगे कि एंडलेस प्रोग्रामिंग होगी, बट कुछ इंपॉर्टेंट है आप लोगों के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करते हैं. थैंक यू वेरी मच.